सकते हैं ये ब्लॉग तो नहीं है। तुम्हारे पास एक सिंपल एक वीडियो थी, एक पैगाम था, जिस तरह के अभी आजकल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में यह भी हालात चल रहे हैं कि सैलाब काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, जिस वजह से लोगों के जो काफ़ी ज़्यादा घर हैं वो लोग बेघर हो चुके हैं, और बेघर होने के बाद उनके पास ना कोई खाने पीने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए जगह है, तो उनके जितने माल मवेशी थे वो सारे बिल्कुल कहीं ना कहीं तबाह हो गए हैं, और उसके अलावा उनकी जितनी फसलें थी वो सारी तबाह हो गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने में, क्योंकि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हमारे जो यहाँ पर जितनी भी इलाका जाते हैं, अभी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा मस्जिद में भी चंदा वगैरह इकट्ठा किया है उन लोगों के लिए, ताकि उन तक इमदाद पहुँचाई सके, ताकि उन लोगों को कहीं पर टेंट मैसर किया जाए, कहीं पर सर छुपाने के लिए वहाँ पर उन्हें एक जगह मैसर की जाए, ताकि वहाँ पर वो लोग अपनी कम से कम थोड़ी बहुत ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। जब ये सलाह पड़ेगा तो इंशाल्लाह उनकी और इमदाद की जाएगी, लेकिन अभी उनके सर पर ऐसे हालात हैं कि उनके पास खाने के खाने पीने के लिए कुछ नहीं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में माएँ बहने हैं, उनके साथ बहुत सारी हैं, बहुत सारे रोड पर हैं, क्योंकि उनके पास रात को रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास ना खाने के लिए ना पीने के लिए। तो अभी इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखनी पड़ रही हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ही हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने उनके आगे जानने वाले हैं, तो वो लोग अभी इसके बारे में तकरीबन उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ पैसे और कुछ ज़रूरियात, उनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनके लिए कुछ फंड इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी देखने वाले हैं और मेरा ये पैगाम ध्यान तक पहुँचे, तो मैं यही चाहूँगा कि इसको जितना से जितना आगे आप शेयर करें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि आप नेकी काम में हिस्सा लो, क्योंकि ये ऐसा है सदका एक सदका जारी है, क्योंकि आप अगर किसी को बताएंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि उसके वसीले से उन लोगों की मदद हो जाए, और वो लोग उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो कम, ज्यादा इतनी कम तो नहीं होगी, लेकिन यह थोड़ी बहुत उनके लिए कम हो जाएगी, और वो लोग थोड़ा बहुत अपना रिहाइश रह लेंगे, उनके लिए कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, उनको कुछ पहनने के लिए मिल जाएगा, और कुछ उनके जो बच्चे हैं उनको दूध कहीं मिल जाएगा। तो मैं उनका इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में एक व्हाट्सएप नंबर होगा तो इंशाल्लाह मैं वो आपको दे दूंगा, तो आप जो भी भाई हैं, जो भी देखने वाले हजरात हैं, तो और वो अगर कुछ भी उनके लिए इमदाद कर दें उस नंबर पर, आप कुछ भी इमदाद भेज दें, तो ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा सदका जारी होगा, और अल्लाह ताला भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मुसलमान भाई हैं, तो मुसलमान अगर मुसलमान की मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगी। इसी तरह अगर कोई बाहर से अगर लोग आते हैं वो उनकी मदद करते हैं, जिस तरह आज हमने बयान का सुना है, बयान में यही कह रहे थे मोदी साहब के एक दो वाक्य था उनके साथ ही बंदा था, लेकिन इसी तरह हालात पैदा हुए हैं, तो वो लोग हालात में यही हुआ है कि वो कहते हैं कि हम लोगों को जो लोग थे उन्होंने मदद नहीं की, क्योंकि आज के यही हालात है कि आजकल जो साथ वाले घर वाले हैं वो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, तो बाहर के लोग कैसे मदद करेंगे। तो इंशाल्लाह